किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आज अपन ड्रॉ करना सीखेंगे, यानी खींचना सीखेंगे, किस तरीके से बनाया जाता है, और चार नंबर का, जी हाँ चार नंबर का बिल्कुल प्रश्न आना है और हर साल आता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। देखो मैंने ये एन ध्रुव इधर रख लिया, ये चुंबक है जिसको बनाया है, तो यहां पर इसका नाम क्या दिया मैंने, एन, और इसका नाम दिया मैंने एस। ठीक है, ध्यान देना है, तो कभी भी जो क्षेत्र रेखाएं होती है ना वो एन ध्रुव से निकलती है, किससे निकलती है, एन ध्रुव से निकलती है। जैसे आपने इसको लेके जाएंगे ना, ठीक है, तो इसके आसपास से एक एरिया बनेगा, कैसा एरिया बनेगा, ये जो जैसे ये रखा है यहाँ पर है ना, इसको साइड में रख देते, यहाँ पर बता देता हूँ, ये एन ध्रुव से निकलती है और एस ध्रुव की ओर बढ़ती है, तो ये एन ध्रुव से निकली, ठीक है, और ये वक्र की तरह बनेगी और ये आगे इस तरीके से एस ध्रुव पर चली आएगी। कहां से निकली, ध्यान से देना, ये एन से निकली है, इस तरफ गई है, इस तरफ अंदर घुसी है, एन से निकली हुई है, या फिर आप दर्शा भी सकते हैं इसको यहां से भी, ठीक है, यानी कि ये एन से निकल कर किधर गई, एस में गई। इसी तरह भले नीचे की तरफ बनाओ, आप किधर ही बनाओ, जैसे यहां पर मैंने बनाया ये, तो ये कहां से निकली भैयू, एन से निकली है और एस में जाके गुजरी है। फिर से एक और बना दो, अच्छा रहेगा थोड़ा सा, तो ये हो गई, और एक और इसमें बना लो, यहां पर ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है ना भैयू, ये हो गई। और यदि हम बात करें तो ये जो रेखाएं हैं ये इस तरह से निकल रही है, ये और भी रेखाएं बना सकते हैं ऐसे अपन, ठीक है, तो ये निकल रही है यहां से, ये निकल रही है, किस तरफ आ रही है, तो एस ध्रुव की तरफ आ रही है, ये यहां पर अंदर घुस रही है, ठीक है भैया। ये ही क्या है वास्तव में आपका, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के अपने चित्र देख लिया, बहुत ही सिंपल है। चाहे तो थोड़ा सा इसको और मोटा कर लेते हैं आप, ये मतलब एन और एस का, तो इस तरीके से भी बना सकते, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं साहब इसमें यहाँ पर एक दो तीन चार पांच जैसे पांच लाइन खींचोगे, कितनी ही खींच सकते हैं। तो ये चित्र यहाँ पर है, मैंने प्रयास किया है, थोड़ा सा मैं चित्र में कमजोर हूँ, थोड़ा सा चित्र नहीं बनता अधिकतर, कोशिश की जब भी। तो ये क्या है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर की क्षेत्र रेखाएं।